26 जून 2010 काला चश्मा लगाए लाल बालों वाली एक औरत न्यूयॉर्क की एक कॉफी शॉप में प्रवेश करती है और काली टी शर्ट पहने एक आदमी के साथ मेज पर जाकर बैठ जाती है। यह आदमी जिससे यह औरत आज पहली बार मिल रही है काफी देर से इस औरत का इंतजार कर रहा था और यह औरत काफी देर से कॉफी शॉप के बाहर खड़ी इस आदमी को घूरे जा रही थी, मानो जैसे किसी प्रकार का मूल्यांकन कर रही हो। यह औरत एक अत्यंत शातिर रशियन जासूस है और इसका नाम है एना चैपमैन। एना अपने बैग से एक लैपटॉप और पावर कॉर्ड निकालकर इस अनजान आदमी को सौंप देती है। यह आदमी जिसने अपना नाम रोमन बताया था एक रशियन काउंसलर ऑफिसर बनके एना से मिल रहा था, लेकिन वास्तव में रोमन एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट था और इन दोनों की यह पूरी मीटिंग एक कोवर्ट ऑपरेशन के तहत छुपे हुए कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी। एफबीआई के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन घोस्ट स्टोरीज। इस बेहद गुप्त सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत और भी कई ऐसी मीटिंग्स रिकॉर्ड होने वाली थी। एफबीआई का यह ऑपरेशन अमेरिका में रशिया के लिए जासूसी कर रहे 10 अंडरकवर एजेंट्स के एक स्लीपर सेल को उजागर करने वाला था। ये अंडरकवर एजेंट्स रशिया फेडरेशन के लिए एक लंबे समय से अमेरिका में अपने अपने डीप कवर असाइनमेंट्स को अंजाम दे रहे थे। अमेरिकन आइडेंटिटीज चुराए ये जासूस अलग अलग शहरों में आम आबादी के बीच घुल मिल चुके थे, अपने परिवार शुरू कर चुके थे और इनके परिवारों को इनकी इस गुप्त जिंदगी के बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी। लेकिन एफबीआई इनकी इस गुप्त जिंदगी से जल्द ही पर्दा उठाने वाली थी। एक अविश्वसनीय अंडरकवर ऑपरेशन करके एक ही दिन एक ही समय इन 10 के 10 बेहद शातिर जासूसों को गिरफ्तार करने वाली थी। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, ये एना चैपमैन जिसका पैदाइशी नाम एना कुशियंको था, ये कई सालों से अमेरिका और यूके में अंडरकवर रहते हुए केजीबी के लिए जासूसी कर रही थी। लंदन में एक असाइनमेंट के दौरान एना की मुलाकात वहां के एक अमीर कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव के बेटे अलेक्जेंडर चैपमैन के साथ होती है। दोनों में प्यार हो जाता है और जल्द ही शादी भी, लेकिन 4 साल बाद एना और अलेक्जेंडर के बीच डिवोर्स हो जाता है। लेकिन डिवोर्स के बाद एना अपने पति का आखिरी नाम चैपमैन अपने पास ही रखती है। अपने पति से अलग होने के कुछ समय बाद ही एना लंदन से न्यूयॉर्क वापस आ जाती है, जहां पर अपने केजीबी के हैंडलर्स के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए एना न्यूयॉर्क के अलग अलग रिटेल स्टोर्स, कॉफी शॉप्स और मॉल्स में उनके साथ मुलाकातें करने लगती है। लेकिन अपने इन केजीबी के हैंडलर्स के साथ होने वाली मुलाकातों के दौरान एना छोटी मोटी तकनीकी गलतियां करना शुरू कर देती है, जैसे कि कम्युनिकेशन करने के लिए हर बार प्राइवेट नेटवर्क्स पर एक ही मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक एड्रेस का इस्तेमाल करना। ये छोटी सी गलती ही एना के पतन का कारण बनने वाली थी। एफबीआई इस मैक एड्रेस को ट्रैक कर लेती है और अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एना चैपमैन के कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर डाल देती है। अब एफबीआई एना के डेली मूवमेंट्स और केजीबी के वरिष्ठ ऑफिसर्स के साथ होने वाले उसके सारे कम्युनिकेशंस को ट्रैक करना शुरू कर देती है। इस बात से पूरी तरह अनजान के एफबीआई ने उसके ऊपर नजर रखी हुई है, एना एफबीआई के अंडरकवर एजेंट रोमन को रशियन काउंसलर समझ उससे मिलने को तैयार हो जाती है। लेकिन जोश जोश में एफबीआई भी एक गलती कर बैठती है। एना के साथ अपनी मीटिंग में रोमन एना को एक नकली अमेरिकन पासपोर्ट देता है और एक दूसरे स्लीपर एजेंट से मिलकर यह पासपोर्ट उसे देने को कहता है। रोमन की इस रिक्वेस्ट से एना की गर्दन पर बाल खड़े हो जाते हैं। आज तक कभी भी उसे किसी दूसरे एजेंट से फेस टू फेस मिलने का आदेश नहीं दिया गया था। इस मीटिंग के तुरंत बाद एना अपने मोबाइल फोन को नष्ट कर एक नया मोबाइल और नकली पते पर 2 सिम कार्ड्स खरीद लेती है और दुकान से बाहर निकलते ही सिम कार्ड्स की रसीद को कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन एफबीआई एना की इस गतिविधि पर भी नजर रख रही थी। एना के वहां से जाते ही एफबीआई का एक एजेंट कूड़ेदान का सारा कूड़ा अपने साथ ले जाता है और सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उस रसीद को निकालकर अपने पास रख लेता है। अगले दिन 27 जून 2010 को एफबीआई एना चैपमैन को गिरफ्तार कर लेती है और 8 जुलाई 2010 को उसे रशिया वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है।
27 जुलाई 2010 के दिन एना चैपमैन अकेली गिरफ्तार नहीं हुई थी, बल्कि इस दिन ठीक एक ही समय एफबीआई ने 9 और रशियन अंडरकवर जासूसों को गिरफ्तार किया था। यह अमेरिका के इतिहास का अब तक का ऐसा सबसे बड़ा अंडरकवर जासूसों का नेटवर्क था, जिन्हें अनौपचारिक कवर में जासूसी करने के लिए अमेरिका भेजा गया था। रशिया के इन अंडरकवर जासूसों का उद्देश्य था आम अमेरिकी नागरिकों की तरह जीवन यापन करते हुए अमेरिका के राजनैतिक, औद्योगिक और शिक्षा जगत को इन्फिल्ट्रेट करना, उच्च स्तरीय कॉन्टैक्ट्स बनाना और इंटेलिजेंस इकट्ठी करना। 3 और ऐसे संदिग्ध जिनके ऊपर एफबीआई को अंडरकवर रशियन जासूस होने का शक था, वो गिरफ्तारी वाले दिन से पहले ही देश छोड़कर भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 10 रशियन जासूसों की गिरफ्तारी एफबीआई के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। कई सालों तक चली दिन रात की सर्वेलेंस और इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑपरेशन घोस्ट स्टोरी सफल हो चुका था। ऑपरेशन घोस्ट स्टोरीज का उद्देश्य अमेरिका में रहकर डीप कवर में ऑपरेट करने वाले रशियन जासूसों को आइडेंटिफाई और इन्वेस्टिगेट करना था। आगे चल के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस केस को नाम देता है द इलीगल्स केस, जहां कुछ रशियन जासूस जैसे एना चैपमैन तो अपने असली नाम को ही बदलकर ऑपरेट करते थे, वहीं कुछ जासूस ऐसे लोगों के नाम और पहचान धारण कर लेते थे जो सालों पहले मर चुके थे। कुछ जासूस तो शादी करके पति पत्नी की तरह भी रह रहे थे। एक आम अमेरिकी शादीशुदा जोड़े की तरह ये बच्चे भी पैदा करते थे, नौकरी पर भी जाते थे, अपने पड़ोसियों से भी मिलते जुलते थे, हर वो काम करते थे जो एक आम परिवार समाज में करता है। ऐसे ही 2 रशियन जासूस थे, आंद्रे बेजरुकोव और येलेना वेविलोवा। ये दोनों रशियन नागरिक थे जिनको केजीबी ने भर्ती करके जासूसी करने के लिए एक जोड़े के रूप में अमेरिका भेजा था। ये दोनों पति पत्नी की तरह कैम्ब्रिज नाम के इलाके में डोनाल्ड हेथफील्ड और ट्रेसी ली एन फोली बनकर रह रहे थे। बेजरुकोव ने तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MPA की डिग्री भी ले ली थी, जहाँ ये खुद को एक कैनेडियन डिप्लोमेट का बेटा बताता था। हार्वर्ड से निकलने के बाद बेजरुकोव वर्ल्ड फ्यूचर सोसाइटी नाम की एक संस्था में काम कर रहा था। ये संस्था फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने वाला एक थिंक टैंक था, और इसी वजह से बेजरुकोव को अमेरिका के नामी गिरामी वैज्ञानिकों और राजनेताओं से आमने सामने मिलने के खूब मौके मिलते थे। बेजरुकोव और येलेना के 2 बेटे भी हैं, 16 वर्षीय अलेक्जेंडर और 20 वर्षीय टिमथी। ये दोनों ही बेटे अपने माता पिता की इस गुप्त जिंदगी और उनकी जासूसी गतिविधियों की कोई भी जानकारी होने या उनके साथ मिले होने से लगातार इनकार करते रहते हैं, और FBI उनका विश्वास भी कर लेती है। लेकिन 2012 में ये बात सामने आती है कि बेजरुकोव और येलेना अपने बड़े बेटे टिमथी को एस्पियोनाज टेक्निक्स में ट्रेनिंग दे रहे थे, उसको जासूस बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसका मतलब यह था कि कम से कम टिमथी को तो अपने माता पिता की इस गुप्त जिंदगी की, उनकी गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। जुलाई 2012 में दोनों बेटे डिपोर्ट किए जा चुके अपने माता पिता से मिलने के लिए मॉस्को जाते हैं, और अपने माता पिता से मिलने के बाद जब अलेक्जेंडर और टिमथी वापस अमेरिका आने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो अमेरिकी सरकार उन दोनों का पासपोर्ट रद्द कर देती है, उन दोनों को वापस अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। वर्तमान में दोनों ही लड़के मॉस्को में ही रह रहे हैं। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बापों की गिरफ्तारी के समय नाबालिग थे, उन्हें इतनी छोटी सी आयु में अत्यंत कठिन निर्णय लेना था, डिपोर्ट हो रहे अपने माँ बाप के साथ रशिया जाना या फिर अमेरिका में ही रहना जहाँ के वो कानूनी रूप से नागरिक थे। रशियन जासूस व्लादिमीर और लिदिया गुरियेव की 9 और 11 साल की बेटियों को भी ऐसा ही निर्णय लेना था। व्लादिमीर और लिदिया रिचर्ड और सिंथिया मर्फी बनके सालों से न्यूयॉर्क में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। इन दोनों को अमेरिका की अफगानिस्तान में पॉलिसी के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठी करने का जिम्मा सौंपा गया था। 27 जून 2010 की इन गिरफ्तारियों के बाद FBI रशियन सरकार के साथ एक डील करने पर काम शुरू कर देती है। इस डील के अंतर्गत FBI रशिया के इन सभी 10 जासूसों को CIA और MI6 के ऐसे 4 जासूसों के बदले छोड़ना चाहती थी जो रशिया की जेल में जासूसी के आरोपों में बंद थे। ऐसा ही एक आदमी था आइगर सत्यगिन नाम का, एक आर्म्स कंट्रोल रिसर्चर, जिसको रशियन न्यूक्लियर सबमरीन और मिसाइल सिस्टम्स की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर करने के आरोपों में 15 साल की सजा सुनाई गई थी।
रशियन सरकार अमेरिका के साथ जासूसों की अदला बदली करने के लिए मान जाती है और 8 जुलाई 2010 के दिन अमेरिका में पकड़े गए सभी स्लीपर जासूसों को वियना के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है, जहां से एक रशियन जेट प्लेन उन्हें मॉस्को ले जाता है। यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक सवाल ये उठता है कि FBI ने अमेरिका के अलग अलग शहरों में एक ही दिन एक ही समय रशिया के इन 10 जासूसों को आखिर कैसे गिरफ्तार किया होगा, क्योंकि आमतौर से ये रशियन जासूस अपनी गतिविधियों और कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते थे, लेकिन फिर भी इनसे कभी कभार एकाधी छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती थी, जैसी कि एना चैपमैन से हुई थी। यदि उसने बार बार एक ही मैक एड्रेस का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद FBI इन जासूसों को कभी भी नहीं पकड़ पाती। इनमें से कई जासूस इमेज फाइल्स यानी कि साधारण सी डिजिटल फोटोज में अपने मैसेजेस एम्बेड करने या छुपाने के लिए स्टेनोग्राफी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे थे। रिचर्ड मर्फी और व्लादिमीर गुरियेव ने अपने सॉफ्टवेयर के लिए 27 कैरेक्टर्स का पासवर्ड सेट किया हुआ था और याद रखने के लिए उसे कागज के टुकड़े पर लिख रखा था। एक दिन व्लादिमीर और उसकी पत्नी जब काम के लिए निकलते हैं तो उनके पीछे से FBI के एजेंट्स उनके घर के अंदर घुस जाते हैं। FBI के एजेंट्स को कागज का वो टुकड़ा एक लैपटॉप के पास पड़ा हुआ मिलता है। FBI द्वारा रिलीज की गई एक सर्वेलेंस टेप में क्रिस्टोफर मेट्सोज नाम के एक और रशियन जासूस को एक दूसरे रशियन जासूस के साथ शॉपिंग बैग्स की अदला बदली करते हुए देखा जा सकता है। जो बैग रिचर्ड के हाथ में थमाया गया वो डॉलर से भरा हुआ था। बैग लेने के बाद मैक्सोज अपनी गाड़ी में न्यूयॉर्क के वुड्सबोरो जाता है और एक बड़े से पार्क में इस बैग को दफना देता है। कुछ दिन पहले ही FBI ने मैक्सोज की कार में एक GPS ट्रैकर प्लांट कर दिया था, इसलिए जब वो उस पार्क की तरफ जा रहा था तो FBI के एजेंट्स उस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। जिस जगह पर रिचर्ड मैक्सोज ने पैसों से भरा हुआ बैग दबाया था, FBI उस जगह को मार्क करके उसके चारों तरफ कैमरे लगा देती है। पूरे 2 साल बाद एक आदमी और एक औरत इस बैग को खोदने के लिए पार्क में आते हैं और FBI के कैमरों में कैद हो जाते हैं। FBI इन दोनों को भी गिरफ्तारी के लिए मार्क कर लेती है। इन दोनों के नाम थे मिखाइल और नतालिया। ये दोनों भी पति पत्नी बनके सिएटल के एक आलीशान अपार्टमेंट में 2 सालों से रह रहे थे और अमेरिका के कई उच्च स्तरीय नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स को इन्फिल्ट्रेट करके महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इकट्ठी कर चुके थे। उधर रशिया में अपने स्लीपर नेटवर्क के एक्सपोज होने का पूरा ठीकरा एक ही आदमी के सर फोड़ा जा रहा था। 16 नवंबर 2010 को कोमरसन नाम का एक रशियन अखबार लिखता है कि रशिया में एक मोल यानी के गद्दार है जो CIA के लिए काम कर रहा है और ये गद्दार ही अमेरिका में रशियन जासूसों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार है। रशियन अखबार के अनुसार इस मोल का नाम था कर्नल अलेक्जेंडर पोतायेव, जो KGB की शाखा डिपार्टमेंट एस का पूर्व डेप्यूटी हेड था और KGB के इस इलीगल प्रोग्राम का कर्ता धरता भी था। मॉस्को अब ऐसा दावा कर रहा था कि पोतायेव 1999 से CIA के डबल एजेंट के तौर पर डिपार्टमेंट एस में काम कर रहा था। इससे पहले कि रशियन सरकार पोतायेव को गिरफ्तार करके उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला पाती, वो गायब हो जाता है। आगे चल के KGB को अपनी जांच में पता चलता है कि अमेरिका में रशियन जासूसों की गिरफ्तारी से ठीक 3 दिन पहले 24 जून 2010 के दिन पोतायेव अपने भाई के पासपोर्ट पर यूक्रेन भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ KGB के ही कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि पोतायेव को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिससे कि द इलीगल्स प्रोग्राम में की गई KGB एजेंट्स और वरिष्ठ अफसरों की गलतियों पर पर्दा डाला जा सके। पोतायेव कहां था, क्या कर रहा था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। कोई भी मीडिया या इंटेलिजेंस एजेंसी पोतायेव को ट्रैक नहीं कर पा रही थी कि तभी 7 जुलाई 2016 को रशियन न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स रिपोर्ट करती है कि पोतायेव की अमेरिका में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसी न्यूज आर्टिकल में ऐसी आशंका भी जताई जाती है कि यह खबर KGB की एक डिसइंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी भी हो सकती है, जिसका मकसद पोतायेव इशू को हमेशा हमेशा के लिए दबाना हो सकता है। इस खबर ने उत्तरों की जगह और भी कई गहरे गहरे नए नए प्रश्नों को जन्म देने का काम किया। क्या वास्तव में पोतायेव नाम का कोई आदमी था भी या नहीं? यदि था तो 2010 के उस जासूसी नेटवर्क को एक्सपोज करने में इसकी क्या भूमिका थी? FBI और KGB दोनों ने ही आज तक इंटरफैक्स की उस खबर पर कोई भी रिएक्शन या बयान नहीं दिया है। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है, ये कहानी पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एस्पियोनेज स्टोरीज में एक और रोचक कहानी के साथ, एक और रोचक एपिसोड के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।